हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम क्रेजी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो एनटीए के द्वारा जो 7 अगस्त का नोटिफिकेशन आया था, तो इसी के इम्प्लीकेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, पहले का आपका जो फेज़, इसमें आपके स्लॉट जो एग्ज़ाम हुए थे 4, 5 और 6 अगस्त के, इसके बहुत सारे सेंटर्स में एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं, तो उनके क्या क्या इम्प्लीकेशन थे उसको तो हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो 7 अगस्त का जो नोटिस है, जो आप बोल सकते हैं नोटिफिकेशन जो जारी किया गया, उसमें क्या क्या जो है बातें की गई है। तो इसमें ये बोला गया है कि अब जो आने वाला जो आपका 7th और 8th, 9th या 7th, 10th का जो एग्ज़ाम था वो कैंसिल हो गया है। जो आपका 7th है, 8th है, 10th है वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, लेकिन इसके लिए ऑलरेडी जो एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया गया था और वो एडमिट कार्ड जो है आपका वैलिड रहेगा आगे के लिए। और उस मतलब कैंसिल करके इसको रीशेड्यूल किया गया है। इसको आप ये नहीं बोल सकते हैं कि परमानेंटली कैंसिल कर दिया गया है। अब ये इस 8th के जो एग्ज़ाम थे या 4th, 5th और 6th अगस्त का जो एग्ज़ाम था उसको भी बाद में कंडक्ट कराया जाएगा। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि एक तो सबसे पहले ये हो जाता है, ठीक है, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका ये डेट पे पॉसिबल नहीं हो, ये जो 12th से 14th अगस्त को जो पोस्टपोन हुआ है इस पे जो है पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए जो है आप लोगों को फिर से एक एनटीए को इन्फॉर्म करना पड़ेगा रीस्केड्यूल के लिए। तो न्यू डेट जो 4th, 5th और 6th का जो एग्ज़ाम था उसको 12, 13 और 14 को पोस्टपोन किया गया था। तो जितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस डेट को दे नहीं सकते हैं एग्ज़ाम, तो आप लोग जो है एनटीए को इन्फॉर्म कीजिए, एनटीए आपके लिए सेपरेटली न्यू डेट्स अलॉट करेगा, ठीक है। फिर बाकी इसमें ये चीज़ किया गया है कि कंसीडरिंग द एबव रिक्वेस्ट इट हैज बीन डिसाइडेड दैट इन द प्लेस ऑफ 12th टू 14th इस चीज़ को विल नाउ बी कंडक्टेड फ्रॉम 24th टू 28th एंड फ्रेश एडमिट कार्ड विल बी इशूड। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि सिटी चेंज के लिए, डेट चेंज के लिए जितने भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, अब उनको जो है 24th से 28th ऑफ अगस्त के बीच में उनका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा और उसके लिए फ्रेश एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा। फ्रेश एडमिट कार्ड इसलिए भी इश्यू किया जाएगा कि इसमें बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास सिटी चेंज का मतलब सिटी चेंज इन द एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो चेंज करने का ऑप्शन उनको मिलेगा। और ये सारे स्टूडेंट के लिए नहीं है, जिनके सेंटर्स पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे सिटीज में जहाँ पे एग्ज़ाम्स के सेंटर्स थे और उन सेंटर्स के जो एग्ज़ाम कैंसिल किए गए हैं, जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उसी सारे स्टूडेंट्स को मिलेगा। और फेज़ थ्री का जो एग्ज़ाम है ये 17th, 18th एंड 20th ऑफ अगस्त को कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये जो है मेन इन्फॉर्मेशन था जो हम लोगों ने सोचा आपके साथ इन्फॉर्म कर देने का। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट जो पैनिक हो रहे थे कि क्या होगा नहीं होगा, आप लोगों को घबराने की बात नहीं है, कोई भी टेंशन की बात नहीं है, आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी इसके अलावा जो है क्या आपके पास ऑप्शंस हैं जो अवेलेबल टाइम में इसको हम लोग बेस्ट तरीके से कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके लिए भी सेपरेटली हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे। और इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा पीजी के एग्ज़ाम पे भी, इसका बारे में भी हम लोग इनको इन्फॉर्म करेंगे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।